हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है मंडे और हम लोग आए हैं महादेव के दर्शन के लिए। बारिश भी इतनी तेज लगी हुई है, लेकिन हमें आना था तो हम आए। महादेव का बुलावा आया है तो हम दर्शन के लिए पहुंच गए हैं बागेश्वर। और ये है बागनाथ मंदिर जो बागेश्वर में है और काफ़ी अच्छा है। सो दोस्तों, हमने थाली ले ली है पूजा की और अब हम लोग जा रहे हैं। और इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि क्या बताऊं। एज़ यू कैन सी कि हम लोगों ने छाता वाता लिया है और फिर भी बारिश आ ही रही है। पूरा दिन ही बारिश है आज। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे शूज़ अपने उतार लिए हैं और फिर हम लोग जाएंगे मंदिर महादेव के दर्शन के लिए। बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये है इसका व्यू, काफ़ी अच्छा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, नीचे भी बहुत सारे मंदिर हैं, अभी वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे, तो वीडियो में आप बने रहें। सो गाइस, जो ये मंदिर है वो सरयू नदी और गोमती नदी के किनारे स्थित है और काफ़ी अच्छा है। इतनी सारी घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ पर सारे पंडित जी बैठे हुए हैं इतनी बारिश में। और फिर पंडित जी हमें टीका लगा रहे हैं अभी और हम लोग अब पानी लेने के लिए जा रहे हैं। मतलब पानी नदी में। सो दोस्तों, लेने जा रहे हैं हम लोग पानी और बारिश अभी भी कंटिन्यू लगी हुई है और हम लोग बिना चप्पलों के जा रहे हैं। और यह है आपका संगम घाट जहाँ पे गोमती और सरयू नदी का संगम होता है और उसी के किनारे ये मंदिर है। बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा है। वाव, और नीचे मेन गेट यहाँ से ये मंदिर है, बहुत सुंदर लग रहा है। हमने पहले देखा नहीं था इसे, लेकिन ये भी बहुत सुंदर है। ये भी हम आपको दिखाएंगे अंदर से, बहुत सुंदर है। और ये है महादेव की मूर्ति, इतनी बड़ी एकदम बनाई हुई है। वाव, कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हम लोग बिना चप्पलों के यहाँ जा रहे हैं और नीचे बहुत कंकड़ और पत्थर हैं एज़ यू कैन सी। और हम लोग पहुँच गए हैं नदी पे, पहुँचने वाले हैं। और इतनी बारिश है और इतनी बड़ी नदी है, वाव, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। काफ़ी लोग आए हुए भी हैं, पानी दे रहे हैं। पहले हम कलश में से भर के दो नदियों का यहाँ पे संगम होता है, सरयू और गोमती। और हम भी ज़रा पानी दे देते हैं, अब चढ़ाते हैं पानी हम दोनों। आप इसे चढ़ा लो, एक हाथ से हमने छाता पकड़ी है तो एक ही हाथ से चढ़ा पा रहे हैं। सोचा नहीं था इतनी बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश आई हुई है। सो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग ये वाला वेदर भी। और ये है यहाँ का दृश्य और ये महादेव की प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है, वाव। सो हम लोग पानी लेके वापस जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे अंदर का दृश्य, मंदिर के अंदर का दृश्य, बागनाथ मंदिर। पता नहीं किसी की बारात आ रही है या क्या, खूब ढोल वोल बज रहे हैं, समझ में नहीं आया क्या है राज। शादियां तो होती नहीं है इस महीने में, पता नहीं, हमें भी समझ नहीं आया। पहुंच गए हम दोबारा पंडित जी के पास और पंडित जी ने हमें थाली दे दी है। अब हम अंदर जाके पूजा कर लेंगे। और ये है आगे का दृश्य, इतना सुंदर लग रहा है यार, वाव। इतनी बारिश आई है तब भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि एक तो मंडे है और इसीलिए भी ज़्यादा लोग आए हैं।
बारिश है लेकिन किसी को परवाह नहीं है बारिश की, सब दर्शन के लिए आए हैं। ये है आगे का दृश्य, मेन मंदिर मुझे लग रहा यही है, और हम भी चलते हैं फिर अंदर दिखाएंगे आपको। काफी पुराना मंदिर है देख सकते हैं आप लोग, और ये लोग पूजा करके आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और ये है अंदर नाग भगवान जी, महादेव के नाग, और उनके हम पूजा कर लेते हैं। शिवलिंग है ना ये, और गाइस पंडित जी आ गए हैं और अब पंडित जी हमारी पूजा करवाएंगे। मेरी खुशी मकर राशि खुशी नाम नी के दिया है, सब परिवार से है, सब कुटुंब से, सब आदर पारी का नाम ताजे राज नाम श्री नारी के भागी पर भागना आप कहां चला है। सो पंडित जी पाठ कर रहे हैं हमारा। सहस्र पाद सब भूमि गम गुरु है, ये रतम सर्वम यद भूतम यस्य भाग्यम हम लोग भी अब अगरबत्ती जला के लगा देते हैं हर जगह पे, जहाँ जहाँ पे भी लगाना है। ये धुनी है यहाँ पे। सो ये मंदिर का अंदर का दृश्य है आप लोगों के लिए। इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं अंदर, वाओ, मीन्स पास से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये नाग देवता कितनी अच्छी बनाए हुए हैं यहाँ पे, कितना अच्छा बनाया हुआ है। अब पंडित जी हमें लेके जा रहे हैं, नीचे भी है भैरव देवता है। बेबी फोटो फोटो नहीं ले बाद में। गाइस कंटिन्यू बारिश लगी हुई है अभी तक, और हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो ऐसे मिलके जाना ऐसे यहाँ से ऐसे, हाँ तो वहाँ चला, वहाँ तो कल पहन लेना, ये पूरी प्रतिमा होगी तुझे। क्या अरे भैरव में यहाँ भैरव जी संस्थान वासी भैरव फेरे नहीं धरे, मुझे संस्थान धरा आज भैरव फेरे, जैसे उज्जैन में हाथ आज में है तो काशी विश्वनाथ में ऐसे यहाँ भी फेरे। अब ऐसे जाना है। पंडित जी बता रहे हैं ये काल भैरव काल है ये वाला मंदिर, वो शमशान में शमशान के पास रहते हैं। नीचे पर ही शमशान ने हमें दिखा भी दिया है, यहाँ से जाना और हम परिक्रमा करते हैं मंदिर की। देखे पंडित जी हमें, हमने थोड़ी फोटो वोटो खींच ली है अब अंदर जाके, और अब हम लोग करते हैं परिक्रमा। और ये हमारी हो गई है परिक्रमा फटाफट से, देन अभी और भी हैं मंदिर यहाँ पर, वहाँ भी हम जाएंगे। और ये है शायद ये नंदी है, उनके मुंह से पानी निकल रहा है तो हमने वहाँ से अपने पे चढ़ा दिया है। और अब हम लोग
निकलते हैं यहाँ से मंदिर का। आई होप कि आप लोग को अच्छे से दिख गया होगा सब कुछ, और जिसको भी अच्छा लगा है वो ज़रूर आए यहाँ दर्शन के लिए। बागेश्वर में है बागनाथ मंदिर, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे को, और नीचे भी एक हमें मंदिर दिखाई दे रहा है, ये वाला शायद ये पता नहीं माता का है, पता नहीं किसका है। अच्छा माता का तो नहीं होगा आई थिंक, पता नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग जा रहे हैं बागनाथ, ये तो उनका है प्रसाद भंडार। अच्छा ये है आपका श्री वाणेश्वर देव का तिरछे में हो रहे। गाइस पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोग को, मैंने म्यूट नहीं करा है क्योंकि पानी की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है बारिश की। और ये है मंदिर, महादेव के ज़्यादातर मंदिर ऐसे ही होते हैं। बैजनाथ भी हम लोग गए थे तो ऐसे ही था, जिसने व्लॉग नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। हाँ ऐसे चल लो यार, क्या हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बंद है लेकिन तब भी हम लोग देखने के लिए आए हैं, देख लेते हैं, दर्शन हो गए हैं, और क्या चाहिए भाई अपने को। महादेव के दर्शन हो गए हैं यही बहुत बड़ी बात है, इतनी बारिश में हम लोग आए हैं और इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और ये भी मंदिर है नीचे, देखो यहाँ पर सारे देवी देवता हैं अंदर जाके हमें पता चला, और बहुत सुंदर लग रहा है। और नीचे ही नदी है और नदी के ऊपर मंदिर, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। और ये शायद नया बना है ऐसा लग रहा है इसे देखकर, और जो पुराना वाला जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो तो काफ़ी पुराना है पहले का। और ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो माताओं का मंदिर, माता सब हैं यहाँ पे, सब आप लोग को दिखाएंगे अच्छे से, आप लोग बने रहें वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखें, और आप लोग भी दर्शन कर लें हमारे साथ। घर बैठे आपको दर्शन करा रहे हैं महादेव के, हनुमान जी का है, बागनाथ मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। जिसने नहीं देखा है बागनाथ मंदिर, आप अपने फैमिली में शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी देख लें। ये शिरौली माता का मंदिर है तो वो लोग भी दर्शन कर लेंगे और आपको थैंक यू भी बोलेंगे। सो बने रहें लास्ट तक। और ये है अंदर का दृश्य, संतोषी माता, मैं व्रत रखती थी पहले, कह माता भी विष्णु भगवान मंदिर। चलो परिक्रमा हो जाएगी, चलो सर आप इंसान हो जाएंगे। अच्छा कहाँ जा रहे हो फिर अब है? सो गाइस यहाँ से हम लोग एग्जिट हो रहे हैं, यानी कि पीछे की साइड को जा रहे हैं, क्योंकि पीछे की साइड को है पीपल का पेड़। जहाँ पर भी हम लोग गए हैं वहाँ पीपल का पेड़ ज़रूर है महादेव के मंदिर के पास, ये तो मैंने देखा है। और इस साल हम बहुत मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं, बहुत मंदिरों में चले गए हैं, महादेव के मंदिर काफ़ी ज़्यादा गए हैं इस साल, ये मैंने ऑब्ज़र्व करा है। और फिर लास्ट में हम लोग आए हैं फिर से यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए महादेव के पास। सो गाइस आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।